गुंडों की सरकार गुंडों को नहीं बचाएगी तो क्या आम जनता को बचाएगी? यानी मोदी जी में ही औरत है, मोदी जी में ही डॉक्टर है, मोदी जी में ही इंजीनियर है, सब कुछ मोदी जी में ही है। सरकारें जो हैं महिलाओं के शोषण करने वालों को प्रोत्साहित कर रही है। एक कंपटीशन लगा हुआ है कि भाई महिलाओं का कितना शोषण कौन कर सकता है। हमारे भाइयों को जो है घोड़े से उतार दिया जाता है। कौन कह रहा है संविधान लागू हुआ है? जितने भी पुलिस कर्मचारियों ने ये घिनौना जघन्य पाप किया है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। फिर भी वोट जो है बस मोदी के नाम पर जो है अपनी बहन बेटियों की इज्जत भी निचोवर कर दें हम। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। हमारे साथ बहुत ही सशक्त महिला हैं। आप चारों तरफ देखेंगे प्रदर्शन जारी है, उसके बावजूद भी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। और तमाम तरह की रात में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं आप खबरें देख पा रहे होंगे कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों में और पुलिस वालों में झड़प हुई है। हमारे साथ मैम है राजबाला सैनी, इनका नाम आप लोग जानते हैं, तमाम वीडियोज़ में देख पाए होंगे। तो इस मामले आज बातचीत करेंगे इनसे। क्या लग रहा है मैम कि इन बेटियों को कब तक न्याय मिलेगा? इस तरह कब तक सड़कों पे भटकना पड़ेगा? देखिए, भारत का इतिहास है, राजस्थान में बबरी देवी को अभी तक न्याय नहीं मिला। ठीक है, वो 70 साल की हो गई हैं। आपका निर्भया कांड देख लीजिएगा, हमें लगा कि निर्भया कांड इतना बुरा डरावना जो है एक इंसिडेंस था, घटना थी, पूरा देश दहल गया था। हमें लगा था कि अब जो है बलात्कारी जो है शांत हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है हाथरस कांड जो है मनीषा वाल्मीकि कांड हो जाता है जिसको न्याय नहीं मिल रहा है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है, उनका तिलक किया जाता है। तो मुझे ये लग रहा है कि सरकारें जो हैं महिलाओं के शोषण करने वालों को प्रोत्साहित कर रही है कि जाओ, बहुत बड़ी मर्यादा का काम कर रहे हो, बहुत बड़े मर्द हो तुम, 56 इंच के तुम्हारा जो है सीना है, तुम जाओ, महिला छूट देते हैं तुम्हें, तुम पे ना मुकदमा होगा ना FIR होगी, और तुम जाओ जितना महिलाओं का शोषण कर सकते हो रिकॉर्ड बना लो, तुम 1000 को और तुम कौन 1,00,000 को। एक कंपटीशन लगा हुआ है कि भाई महिलाओं का कितना शोषण कौन कर सकता है। इस तरीके का जो है भारत में एक हवा सी चली हुई है। क्या आपको नहीं लगता कि उसी मनु का विधान फिर से आ गया है कि जिस तरह से पहले के बलात्कारी आते थे तो उन्हें अबीर या टीका लगा के छोड़ दिया जाता था, लगभग वैसे ही देखने को मिला? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब कार्रवाई करती है तब जाके FIR दर्ज होती है। देखिए, आपको मैं बताऊँ, मनुस्मृति तो खत्म कब हुई है? मनुस्मृति खत्म कब हुई है? अगर मनुस्मृति लागू ना होती तो क्या मनीषा वाल्मीकि कांड हो जाता? अगर मनुस्मृति लागू ना होती तो क्या निर्भया कांड हो जाता? अगर मनुस्मृति लागू ना होती तो कैंट में, दिल्ली कैंट में जो लड़की, छोटी सी लड़की को जो है आज जली अवस्था में लाया गया तो क्या वो कांड होता? तो कौन कह रहा है? हमारे भाइयों को जो है घोड़े से उतार दिया जाता है। कौन कह रहा है संविधान लागू हुआ है? अभी भी मनुस्मृति ही लागू हुई है। संविधान का तो ढिंढोरा इसीलिए पीटा जा रहा है कि बाहर विदेश में ये मैसेज ना चला जाए कि भारत अभी भी गुलाम है, जनता को ये ना पता चल जाए कि भाई भारत अभी भी गुलाम है। ये एकदम से सारे के सारे हावी ना हो जाए इन पे, जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया था, कभी मनुवादियों भारत छोड़ो का नारा ना लग जाए। इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा संविधान लागू है, बाकी मनुस्मृति से ही काम चल रहा है देश। आपने रात में देखा होगा कि लगातार तेज बारिश हो रही थी, उसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई और उसमें कई लोगों को जो बता रहे हैं कि रेसलर्स को चोट भी आई है, सर में काफ़ी चोटें आई हैं, उसको कैसे देखती हैं? उसको मैं ऐसे देखती हूँ कि जितने भी पुलिस कर्मचारियों ने ये घिनौना जघन्य पाप किया है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई थी, मैं कोई एक्शन तब तक नहीं ले सकती जब तक मेरे पास रिटर्न नहीं होगा। आप रिटर्न एक्शन लेके आइए ना मेरे खिलाफ। अगर रिटर्न कार्रवाई है कि इसको पैरों से पकड़ो तो आप मुझे पैरों से पकड़ के लेके आओ, नहीं तो ये जो है मानवाधिकारों का हनन है कि जहाँ जंतर मंतर पर हमें आंदोलन करने की, अपने शोषण की आवाज़ उठाने की परमिशन है, वहाँ पे भी अगर हमें हाथ पैर पकड़ के गाड़ियों में ठूसा जाएगा तो भारत में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर अपनी महिलाएं जो है 50% महिलाएं अपनी आवाज़ उठा सकती है? वो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूँगी। स्वाति मालीवाल महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया पुलिस
के द्वारा, और वो बोल रही है कि मेरे साथ भी बदतमीजी बदसलूकी की गई। स्वाति मालीवाल जी से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आपके भी कई नेताओं पर जो है बलात्कार के आरोप लगे हैं, आप भी उनके खिलाफ नहीं बोलती हैं, ठीक है? ये तो अपोजिशन का वो होता है कि भाई जब अपोजिशन को गिराना हो तब इनकी महिलाएं जो है आवाज़ उठा देती हैं, और जब अपना के पार्टी का कोई कर रहा होता है गलत तो ये इनकी चुप मुँह पर टेप लग जाती है। अरे अगर महिला हो तो ना उसमें जाति देखो ना पार्टी देखो, सबके साथ खड़े हो ना। तो आज स्वाति मालीवाल जी बोल रही हैं, ठीक है, और इनके नेताओं के खिलाफ हम दे देंगे। इन्होंने खुद जो है ना टिकटें जो है पैसे ले लेके बांटी हैं। सोनिया विहार में जो है एक स्कूल में 12,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, है? आज अतिशी जी जो है ना एमसीडी के स्कूल में जा रही है। अरे सोनिया विहार के जितने भी हमारे जे कॉलोनी के स्कूल है वहाँ जाके देखो ना आपके स्कूलों का क्या हाल है, एक दो सैंपल बना के शिक्षा मॉडल कर रहे हैं। तो ये तो स्वाति मालीवाल जी तो सिर्फ ये है कि भाई राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बनी गई है, अब केजरीवाल को भी प्रधानमंत्री बनना है तो वो तो अपोजिशन के का फायदा उठाने के लिए यहाँ, यानी राजनीति की लालच में वो यहाँ पे आई थी समर्थन में। सिर्फ राजनीति की लालच में वो आई है, नहीं तो सबसे पहले वो अपने जो नेता बने हुए हैं एमएलए बने हुए हैं दिल्ली में और उनके अगर खिलाफ अगर बलात्कार के आरोप है तो पहले उनको पार्टी से निकलवाओ, ठीक है, उनका इस्तीफा दिलाओ, बाद में जो है ब्रजभूषण का इस्तीफा मांगे ना आप लोग, ठीक है। ब्रजभूषण के ऊपर 38 से 40 मुकदमे लगभग दर्ज हैं, उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी में इतना विलंब क्यों किया जा रहा है? गुंडों की सरकार है, गुंडों की सरकार गुंडों को नहीं बचाएगी तो क्या आम जनता को बचाएगी? ये तो जनता की कमी है कि 6 बार सांसद बनने के बाद भी जनता पहचान नहीं पाई वो भूमि माफिया है, गुंडा है, महिलाओं का शोषण करने वाला है, और फिर भी वोट जो है बस मोदी के नाम पर, मोदी के नाम पर जो है अपनी बहन बेटियों की इज्जत भी निचोवर कर दें हम, क्या मोदी के नाम पर सब कुछ कर दें हम नीलाम अपना? तो ये जनता को सोचना पड़ेगा कि 6-6 बार सांसद बनाने के बाद भी आप चेक नहीं कर पाए कि उस पर 38 जो है मुकदमे दायर हैं। क्या जनता कर रही है फिर? क्या टीवी को देखकर ही वोट डालती है या पैसे में बिककर दारू की बोतल में और जो है ना एक साड़ी में बिककर जो है वोट डाल रही है? तो ये जनता को समझना पड़ेगा, नहीं तो मनुस्मृति को पूर्णतः लागू करने पे कोई नहीं रोक सकता, आदि तो है ही है। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि महिला सम्मान में भाजपा मैदान में, तो मन की बात का 100वां एपिसोड था तो कल विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया का नाम ले देते, कौन रोक रहा था मोदी जी को, ले लेते कि भाई मैं जब जीत के आए थे तब भी तुम्हारे साथ था, तब भी तुम मेरी बेटी थी और आज तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है तो आज भी आप हमारी बेटी है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कौन रोक रहा है मोदी जी? इस प्रदर्शन को कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग और तमाम तरह के बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं ये लोग। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग है तो प्रधानमंत्री देश को चला रहे हैं, आप रिटर्न में FIR कीजिए हम लोगों के ऊपर और रिटर्न में कार्रवाई कीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं तो करो ना कार्रवाई। तो ये जनता को टीवी पर इस प्रदर्शन का ज़्यादा मैसेज टीवी पर नहीं जा रहा है, तो जनता को समझाओ ना कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है और हमारी बातों को जनता के सामने रखने दो ना। मन की बात अगर बीमारी होती है तो भी मोदी जी करते हैं, महिलाओं के साथ शोषण होता है तो भी मोदी जी बोलते हैं, अगर खेती की बात होती है तो भी मोदी जी बोलते हैं, यानी मोदी जी में ही औरत है, मोदी जी में ही डॉक्टर है, मोदी जी में ही इंजीनियर है, सब कुछ मोदी जी में ही है, इसीलिए मन की बात मोदी जी करेंगे और सुन के फिर कूड़े में डाल देंगे। तो देख सकते हैं हमारे साथ राजबाला सैनी थी, बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, और इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।